समाचार कार्यालय से संकल्प लेते हैं, आज के बाद हम सब चाइना से बनी कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, चाइना से बनी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। यही हमारे अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि। हम, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले, हमारे दर्शक पूरे भारत देश से एक अपील करते हैं, हम अपने घर में बैठ कर चाइना को हरा सकते हैं। चाइना का बहिष्कार, चाइना से बनी हर वस्तु का बहिष्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 28 साल के राजनीतिक करियर में इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि लोग इन पर कोई उंगली उठा सके, ये कहें एक चरित्रवान शुद्ध कैरेक्टर की राजनीति की एक मिसाल है आनंद सागर जी। आनंद सागर जी, आपका समाचार कार्यक्रम में स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी, आज पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है। गुड लक है, हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है, फिर भी सावधानी के बहुत आवश्यकता है। सावधानी के साथ रहेंगे तो गंगा जिएंगे, जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। इसी महामारी में हमारा देश एक और विपत्ति में फंस गया है, चीन, जो पिछले काफी समय से भारत का दोस्त बनने का एक नाटक कर रहा था। आज भारत और चीन के रिश्ते दोस्ती नहीं दुश्मनी में बदल गए हैं। हमारी सीमा पर 20 जवान शहीद हुए हैं। आज आनंद सागर जी से इन दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक कोरोना महामारी, विश्व पूरा चपेट में है, इस दौरान इनकी सेवा, इनके कार्य जिनसे कि समाज प्रभावित हुआ है। आनंद सागर जी, पिछले लगभग 67 डेज से अपना देश, पूरी दुनिया महामारी में फंसी है। हमारे देश और प्रदेश के हालात कैसे हैं, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए राजेश जी, आपने जो यह मुद्दा उठाया, इसमें विशेष तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बात कहते थे देसी भाषा में कि राड़ से बाढ़ आ, कोरोना अब आज के दिन हर व्यक्ति समझ चुका है पूरी दुनिया में कि इसको अगर हम सावधानी से लिएंगे तो अपने आप को हम बचा पाएंगे। और यही प्रयास मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी का कि जिन्होंने शुरू में ही एक बड़ा फैसला लिया कि लॉकडाउन कर दें। और वो जो प्रयास था कि एकदम लॉकडाउन करने का, जो विशेष तौर पर भारत के लोगों की शायद मेरी नॉलेज में तो कभी नहीं है कि इतना बड़ा लॉकडाउन उन्होंने देखा हो, और बड़ा नुकसान भी अगर आर्थिक तौर पर देखें तो देश को और देश के जो बिजनेसमैन हैं या छोटे या बड़े हर तरह के व्यापारियों को भी नुकसान हुआ। बट जब ये बात आती है कि जान है तो जान, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जान बचाने का प्रयास किया कि अपना हिंदुस्तान जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, हिंदुस्तानी सुरक्षित रहें। और अगर हिंदुस्तानी सुरक्षित रहेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि दोबारा से एक नया हिंदुस्तान हम खड़ा कर सकते हैं। और इस बात का पूरा सहयोग भी लोगों ने दिया। और आज हम देखते हैं कि मैं विशेष तौर पर झज्जर जिले की अगर बात करूँ पूरी दुनिया में, तो बिल्कुल दिल्ली के पास होते हुए भी बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट भी और बहुत कम यहाँ पर फैल पाया, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना प्रयास किया सावधानी, और इस सावधानी की वजह से ही आज हम इस स्टेज पर हैं कि आज इतनी बड़ी घनी जनसंख्या होते हुए भी हमने इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल किया। आगे भी मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी दर्शकों से यही प्रार्थना करते हैं कि अनलॉकडाउन शुरू हो गया है बट हमें कोरोना से बचने के लिए अपनी सावधानी को नहीं छोड़ना। जो जो प्रयास पिछले 60-70 दिनों में सरकार ने किया, आज हमें खुद बगैर किसी रोक टोक के उन सभी प्रयासों को
तसल्ली के साथ और एक धैर्य के साथ हमें उन्हें निभाना है, और जानबूझकर या बेकार में बाहर ना घूमें, जितनी अगर जरूरत हो तभी हम घर से बाहर जाएं। और यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, और यही एक असली जो एक तरीका है कोरोना से बचने का, यही तरीका है। आपने दो बात बोली है, एक बात माननीय नरेंद्र मोदी जी का, आपने कहा कि समय से पहले ठीक समय पर लॉकडाउन करके इस देश को बचाया। मेरा ये मानना है तब कोरोना के बहुत ही कम लोग थे, बीमार थे, पेशेंट थे, तब बहुत सख्त लॉकडाउन लगाया गया। अब संख्या लगभग 500% हो गई है, उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब अनलॉक क्या उचित है? ये देखिए राजेश जी, आप लगातार किसी को बंद नहीं रख सकते, ना देश को बंद रख सकते हैं, ना आम आदमी को। हमें लगातार पिछले 2 महीने सिखाने का प्रयास किया गया, आम आदमी को ये बताने का प्रयास किया गया कि लॉकडाउन जबरदस्ती ना होके हम अपनी स्वेच्छा से लॉकडाउन रखें। अगर मेरे को कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो मैं कम से कम बाहर, अगर मेरे को काम है तो ही मैं बाहर जाऊँ, और उस वक्त मैं अपने आप को पूरी सावधानी के साथ बाहर जाऊँ, चाहे हाथ धोने की बात हो, चाहे मास्क लगाने की बात हो, या अन्य जो सुविधाएँ आप जो जिम्मेवारियाँ हैं उनको मैं अगर तसल्ली से पूरी करूँगा तो मैं कोरोना से बच पाऊँ। और सबसे बड़ा एक तरीका ही ये कि अगर हम अपने आप को खुद लॉकडाउन के नियमों के तहत अपने को हम इसमें ढाल पाएँ तो हम अपने आप को देश को, और ये देश के लिए, केवल मेरे लिए या आपके लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े फायदे की बात। 2 महीने का लॉकडाउन देश को बचाने और लोगों को सिखाने के लिए था। दूसरा, आपने कहा कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट इसकी चपेट में बहुत कम आया लोग, अभी ग्रीन जोन है, इसका श्रेय आप किसको देते हो? पब्लिक को, प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, पुलिस को, या नरेंद्र मोदी जी को? ये नरेंद्र मोदी जी को तो सारा श्रेय पूरे देश को बचाने का है, लेकिन जहाँ तक सवाल झज्जर का, तो मैं जो आपने नाम लिए, चाहे उसमें हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे उसमें स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे हमारा प्रशासन, बड़ी ही मुस्तैदी के साथ सब ने काम किया है। और यहाँ तक कि मैं, आपने एक शख्स को छोड़ दिया, एक जो उसको कि जो पत्रकार, पत्रकारों ने भी इसमें विशेष भूमिका निभाई, क्योंकि बार बार ऐसी जगह पर जाकर उन्होंने कवरेज की, उन्होंने अपने अखबार के जरिए, अपने चैनल के माध्यम से इसको उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो इसमें मेरा मानना है कि सभी का एक साझा प्रयास था, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हम ग्रीन जोन में आ गए। पत्रकारों को भी इसका श्रेय दिया है कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन बनाने के लिए मीडिया ने भी एक भूमिका अदा की है। मेरा एक और जो मैंने देखा है, इस क्षेत्र के समाज से भी विशेष तौर पर ग्रामीण लोगों ने अपने ट्रैक्टरों से, अपने साधनों से, संसाधनों से बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र को सैनिटाइज किया है। सरकार से मेडिसिन लेके, अपने डंपरों से, टैंकरों से, विशेष तौर पर पूरे हिंदुस्तान में मैंने झज्जर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखा है जिस डिस्ट्रिक्ट के समाजसेवियों ने अपने गांव, अपने ही गांव नहीं, आसपास के कई गांवों को भी सैनिटाइज किया है। आपका क्या कहना है? इसमें विशेष तौर पर जो ये सजगता रही है ग्रामीणों को, मैं विशेष तौर पर अपने युवा साथियों की, क्योंकि युवा वर्ग ने चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे अपने गांव में फिक्री पहरा देने की बात, हर तरह से युवाओं ने पूरे मुस्तैदी के साथ इस बीमारी से बचने का, बचाने का, समाज को बचाने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं पूरे ज़िले के युवाओं का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं, और विशेष तौर पर उनसे अनुरोध करता हूं कि जिस राजनीतिक दलगत से, राजनीति से ऊपर उठकर हमारे ज़िले के युवाओं ने यह कार्य किया है, इसके लिए वो विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ के साथ आगे भी अगर कोई ऐसी बात आए तो इसी प्रकार से हम सब एक साथ जुड़कर, अगर जुड़कर सहयोग करेंगे तो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी या कोई बड़ी से बड़ी आपदा भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अभी हम कोरोना से निकल नहीं पाए हैं, कोरोना महामारी की चपेट में हैं,
इस समय पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को है, सभी अपने जनता को है कि हमें पूरी सावधानी के साथ अभी आने वाले कई महीने लगातार हमें सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी हटी, सावधानी हटी तो घटना घटी, ये जो बात है इस बात को अपने दिमाग में बिठाकर हमें इस बात को अपने जीवन को आगे चलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब तक कोई अच्छी वैक्सीन जब तक किसी बीमारी की नहीं आ जाती है तब तक हमें बचाव में ही अपना फ़ायदा रहेगा। इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बचाव जो है वो उस पर ध्यान दें। कोरोना से आगे बढ़कर देश की आर्थिक हालात और देश पर मंडरा रहे चीन के साथ युद्ध के संभावना, आज एक तो पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, ऊपर से चाइना के साथ जो चल रहा है उसमें 20 हिंदुस्तान के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, इस हालात पर क्या कहना होगा? सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे देश की तरफ से जो हमारे जवान अफसर जो हमारे जो शहीद हुए उनके प्रति कृतज्ञता भी जाहिर करता हूँ। क्योंकि आज उनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान जो है, जो हमारे बॉर्डरों के ऊपर सैनिक खड़े हैं, उनकी वजह से ही आज हम चैन की सांस लेते हैं और चैन की नींद पाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे सैनिक हैं, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो सैनिक है उसने दुश्मन देश के साथ आंखें मिलाकर बात की, आंखें झुकाकर बात की। चाहे आप किसी सैटेलाइट वीडियो के जरिए अगर आप बात देखें, चाहे आप किसी आर्मी के वीडियो के अगर आप देखें, तो बिल्कुल छाती तान कर हमारे जवानों ने उनका मुकाबला किया है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, वैसे जो चाइना है उसमें बहुत ज़्यादा सेंसर की जाती है न्यूज़, बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि उसकी बातें बाहर ना निकले, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने सैनिक शहीद उससे दोगुना से भी ज़्यादा हमारे जवानों ने उनको धूल चढ़ाई है, दोगुना से ज़्यादा उनके सैनिकों को मार दी है, जो आज वो भी मौत के ग्रास में फंसे हुए। हमें गर्व है अपने देश के सैनिकों पर। हमारे देश के सैनिकों ने जितनी शहादत हुई है उससे डबल और ट्रिपल चाइना को नुकसान पहुंचाया है। सेंसर मीडिया के ऊपर होने के कारण फिर भी खबरें आई हैं कि लगभग 43 चीनी सैनिक भी इस जान गंवा चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, आनंद सागर जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस कोरोना महामारी का ठीकरा चाइना के सर पे, चाइना ने ही पूरे विश्व को खत्म करने के लिए, आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए इस कोरोना महामारी को फैलाया है? WHO की रिपोर्ट पर विश्वास किया जा रहा था, वो इससे ध्यान दुनिया का ध्यान हटाने के लिए क्या चीन ऐसी कोई चाल तो नहीं चल रहा है कि भारत को युद्ध में फंसा कर और कोरोना के इस पाप से, इस आरोप से बचने का प्रयास कर रहा है? देखिए, ये सारी बातें जो हैं, अगर मैं अपने निजी तौर पर अगर कहूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर ये कहूँगा तो आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आज चाइना अपने आप को ये चाहता है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पावर बन पाऊँ, और पावर बढ़ने के लिए उसने हर हद तक जाने की सोच रखी है। जिस प्रकार ये मानवता पूर्वक अगर ये कोरोना जो उनकी लैब से चाहे लीक हुआ है या लीक करवाया गया है, ये सब रिपोर्ट आएगी तब पता चल जाएगा, बट एक बहुत बड़ी अमानवता वाली जो स्थिति उन्होंने पैदा की, इस बात में कोई शक नहीं। क्योंकि अगर मैं अपना व्यक्तिगत राय दूँ
मेरा भी यही मानना है कि आज जब पूरे के पूरा वर्ल्ड जो वो चाइना के खिलाफ खड़ा है, तो चाइना इसी बात को लेकर ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि आज देखिए हमारा हमारे साथ उसका लड़ने का कोई मकसद नहीं, किसी प्रकार का कोई कारण नहीं बनता, लेकिन उन्होंने ध्यान भटकाया उसके, जो मेरे हिसाब से उसकी यही सोच है कि अगर एक कोई भी देश भारत के पक्ष में अगर खड़ा होता है तो उसका कोई जो दूसरा उसके खिलाफत वाला देश जरूर से, इस तरह हम गाँव में करते हैं राजेश जी, अगर एक भाई किसी दो भाइयों की कहीं लड़ाई हो रखी है तो अगर एक किसी के साथ लड़ जाता है तो जो उसके खिलाफ होगा वो जरूर दूसरे के पक्ष में जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही मैं मानता हूँ कि हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जिस प्रकार आर्थिक रूप से चाइना जो है बढ़ता जा रहा है और सैन्य रूप से अगर हम देखें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो शायद इतना ताकतवर चाइना नहीं है, तो उसने सर्वप्रथम तो यही प्रयास किया है कि किसी न किसी प्रकार से दूसरे देशों को आर्थिक रूप से कमजोर किया है। वो किस प्रकार, आप देखिए आप पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े देशों में लॉकडाउन हो गए, लॉकडाउन में तो सबको पता है कि आपको आर्थिक नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, तो उनका यह प्रयास था कि किया जाए। उसके बाद जो है हम विशेष तौर पर हमारे साथ, क्योंकि हम उसके सबसे नज़दीकी से ही आदमी लड़के नहीं कहीं ना कहीं अपना प्रयास करता है बाहर निकालने, लेकिन चाइना को आज मैं बताना चाहूँगा कि आज चाइना पुराना वाला भारत नहीं है, आज नया भारत, आज नरेंद्र मोदी का भारत और सिद्धू का भारत अब नहीं रहा, अब नरेंद्र मोदी का भारत है। चाइना को ये सोचना होगा, एहसास करा भी दिया गया है। आगे समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब पिछले एक सप्ताह की गतिविधियों से भाई ऐसा तो नहीं लगता कि ये विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं और भारत इस विश्व युद्ध का केंद्र तो नहीं बन जाएगा? देखिए देखिए, आज भारत हर तरह से तैयार, अगर विश्व युद्ध का केंद्र बनने की बात आती है तो उसमें भी भारत पीछे नहीं, अगर लड़ाई की बात आती है उसमें भी भारत पीछे नहीं, हर तरीके से भारत आज एक मजबूत हाथों में, और जब मजबूत हाथों में होता है, आपको बात बताना चाहूँगा मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, क्योंकि आपको पता है आज ठीक है चाइना भी हो सकता है हमारे से गिनती में सैन्य शक्ति भी ज़्यादा हो, बट जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा था कि भाई अगर मेरे 5 आदमी जब हजारों से बढ़ेंगे तब आप देखना क्या क्या मुकाबला हो, मेरे जो 5 आदमी हैं वो भी इतने मजबूत होंगे कि हजारों को हराने में सक्षम है, कि अपने से ज्यादा सैन्य शक्ति वाले को भारत का एक सिपाही चाइना के 20 सिपाहियों को भी खत्म कर सकता है, भारत का सिपाही बिना खाए पिए भी 10 दिन तक रह सकता है, वो इतना मजबूत सिपाही है कि चाइना की सेना उसके सामने टिक नहीं पाएगी। बहुत अच्छा आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, किसी भी सरकार की जिम्मेवारी है उस देश को सुचारू रूप से चलाना, उस देश की जान माल और हर एक जान की रक्षा करना। जो सेना पर 20 जवान मारे गए हैं बिना लड़ाई बिना हथियारों की लड़ाई के, हाथों से लड़के मारे गए हैं, ऐसा सुनने में आया, तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की कूटनीति समझ सिस्टम CID उनके इरादे भांपने में कमी ना रही है, क्या इसमें सरकार का तो कहीं ना कहीं दोष अवश्य है? जहाँ तक सरकार की आप बात करें तो मेरा मानना ये है कि हम आज एक मजबूत हाथों में, इसमें कोई दो राय नहीं, और विशेष तौर पर आर्मी को भी, जो कि कल आपने सर्वदलीय बैठक में देखा प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बेबाक तरीके से कहा कि हमने आर्मी को भी छूट दे रखा, और झड़पें अक्सर होती हैं LAC पे भी और LOC पे भी, लेकिन वहाँ पर हमारे जो प्रधान
प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के अनुसार आपने जो देखा कि हमने उनको आर्मी के हाथ किसी प्रकार से बांधे नहीं, उनको पूरी छूट दी गई है। और आप इसका नतीजा देखना कि उसी का ये नतीजा रहा कि आज कैजुअल्टी में हमने दूसरों को ज़्यादा नुकसान किया। और साथ के साथ सरकार के साथ साथ देखो, तो सरकार अपना काम कर रही है और बहुत सी क्योंकि सिक्योरिटी का ये मामला है, जो इसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूँ ना आप ज़्यादा इसमें गहराई में जा सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल इस बात को खुले में नहीं कह सकते कि हम किस प्रकार की रणनीति सरकार की होगी, किस प्रकार की रणनीति होगी। मैं ये सब कहना चाह रहा था उसे कि आप किसी सरकार युद्ध लड़ा, लड़कर जीत लिया, हारना जीतना एक अलग मैटर है, हार है तो भी कैजुअल्टी है, जीत है तो भी कैजुअल्टी है, बिना लड़ाई के मारे गए वो भी अलग बात है, लड़के मरे वो भी एक अलग बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 20 जवान शहीद हुए हैं, या लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की असफलता, उसकी कूटनीति, उसकी राजनीति में कोई ना कोई कमी तो है, असफलता तो है। मैं आपको एक बार फिर दोबारा यही दोहरा रहा हूँ कि भारत युद्ध शुरू नहीं करता, भारत ने कभी भी आज तक युद्ध शुरू नहीं किया, पिछले आज का रिपोर्ट देखो या पिछले रहे, ये केवल चीन का कोरोना के ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए किया गया प्रयास। तो इसलिए भारत सरकार की विफलता या भारत सरकार के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना मैं उचित नहीं समझता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि भारत का हर एक राजनीतिक दल और आम आदमी सब एकजुट होकर इस आई हुई आपदा का मुकाबला करें। और इस आई हुई जो ये झगड़े वाली जो बात है, लड़ाई वाली, अगर आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में लड़ाई होगी, तो भी हम सब एकजुट होकर इसका मुकाबला करें। और इसका मुकाबला राजेश जी, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि केवल सरकार या सेना ही नहीं, हमारा आम आदमी भी इसमें मुकाबला कर सकता है। कैसे? देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा जो देश आर्थिक रूप से मजबूत है, वो हमेशा उसके पास हथियार ज़्यादा होंगे, सैन्य शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, सुविधाएँ उसके पास ज़्यादा है। तो हम प्रयास अगर करें, मैं भारत के हर नागरिक से अपील करता हूँ कि हमें चीन की हर चीज़ का बायकॉट करना चाहिए। उसमें चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए चीन से बना हर उत्पाद का बहिष्कार करना होगा। भारत को, भारत के हर नागरिक को ये नैतिक जिम्मेवारी है कि चीन से बनी कोई चीज ना खरीदे, चीन से बनी कोई वस्तु का उपयोग ना करे। अब ये आप देखिए कि इसमें हम आमने एक बार बैठा था तो बोला उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो आज चाइना ने इतना अपना बाजार फैला रखा है और वो भारत से इतना ज्यादा कमाता है कि भारत के ऊपर ही वो खर्च कर सकता है सैनिकों के ऊपर। भारत से कमाकर भारत को लड़ाई के लिए ललकारता चीन, क्यों ना हर भारतवासी आज ये प्रण ले कि चीन से बनी हुई कोई वस्तु का उपयोग नहीं किएंगे। अगर आप देखें, छोटी छोटी बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा बहुत सी ऐप्स, अलग अलग तरह की ऐप्स चलती, उसमें सबसे ज़्यादा जो दबदबा हो चाइना, एक टिकटॉक नाम से एक ऐप है जिसमें बच्चे, युवा, लड़कियां, लड़के, बड़े बूढ़े अपनी अपनी बातें पहुँचाते हैं। लेकिन आपने क्या, आपको आइडिया लगा होगा कि ये कहाँ का ऐप है? क्या इंडिया ने बनाया है? ये चाइना ने ऐप बनाया है। और यूज कौन कर रहा है? इंडिया में कितने व्यक्ति? 32 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा आदमियों ने इसको ऐप को डाउनलोड कर रखा है। अब उसकी कमाई किसके पास जाती है? उसके पास, चाइना के पास उसकी जब जाती है। 100 करोड़ का रिवेन्यू पिछले 3 महीनों में इस ऐप से को मिला है। टिकटॉक ऐप से लगभग 100 करोड़ रुपए चाइना ने कमाया है पिछले 3 महीने। हमारे बच्चों को समझना होगा, युवाओं को समझना होगा कि टिकटॉक को बाय बाय, टिकटॉक को बाय बाय, चाइना को हरा सकते हैं। आप देखिए, गेम खेलते हैं बच्चे, एक पबजी के नाम से गेम आता है, इस पे
सारा दिन बच्चे कंप्यूटर में अपने इस पर मोबाइल पे खेलते रहते, वो चाइना से आया, उसने $5,00,000 जो पबजी है उससे $5,00,000 उसने कमाया, जिसमें मैं आपको बताऊँ आंकड़ों के हिसाब से पिछले एक साल में $180 मिलियन जो पबजी को भी बाय बोलो, पिछले एक साल में $180 करोड़ चाइना ने पबजी ऐप से जिससे हमारे बच्चे खेलते हैं एक मात्र मनोरंजन के लिए टाइम पास के लिए $180 करोड़ भारत की जनता ने चाइना को दिए हैं। और ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो चाइना को बिना लड़े हम हरा सकते हैं। $180 मिलियन का मतलब चौदह सौ करोड़ रुपए हमारे बच्चों ने खेल खेल में उड़ा दिए, उनको दे दिया। हमारे देश के भारत देश के बच्चों ने एक साल में 1400 करोड़ रुपए खेल खेल में चाइना को दे दिए। मेरे भारत देशवासियों जागो, हमारे छोटे से प्रयास से एकमात्र प्रयास से हम चाइना को बिना लड़े मार सकते हैं। अगर देश प्रेम है भारत माता से प्रेम है तो इन बातों को समझना होगा। आप अगर टोटल इंपोर्ट की बात करें, हम इंपोर्ट जो चाइना से करते हैं, हम चाइना से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं। अब 3.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा मैं एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का। आपको ध्यान होगा एक बार अमेरिका ने जापान में नागासाकी और वहाँ पर बम फेंका था, और उसके बाद आप जाकर रिकॉर्ड उठा के देखिए आज तक जापानियों ने एक चीज भी अमेरिका से नहीं खरीदी, और उसकी दुष्प्रभाव नहीं, लेकिन आज तक एक सिंगल एक रुपए की भी चीज उनसे आज तक अमेरिका से उन्होंने नहीं खरीदी। तो इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। और आप देखना इंडिया का हर व्यक्ति जो है इस लड़ाई में अपना सहयोगी बनेगा, और चाइना को हराने में हमारे सैनिकों से ज्यादा इनकी जरूरत पड़ेगी और सैनिक सुरक्षित रहेंगे। आज से कुछ साल पहले जापान में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिया था नागासाकी में, आज वहां घास में नहीं उगती इतने साल के बाद, और जापानियों ने संकल्प लिया था कि हम अमेरिका से एक चीज भी नहीं खरीदेंगे, अपने देश में पैदा करेंगे उत्पन्न करेंगे। आज जापान दुनिया के नक्शे पर कहां पहुंच गया है। अब भारतवासियों को भी उठना होगा, स्वावलंबी बनना होगा, अपने कुछ फैसले लेने होंगे। चाइना का बहिष्कार, चाइना से बनी कोई चीज हम नहीं यूज करेंगे, नहीं खरीदेंगे, और चाइना को बिना लड़े वहीं पर हरा सकते हैं। भारत देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अब आप एक मैं छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में टीवी है वो चाइना का बना हुआ है, फ़ोन है MI के फ़ोन हुए, ऐसे ऐसे फ़ोन जो थोड़े सस्ते वो बेच कर हमारे को ज़्यादा उसका एक दत्त जत लगा देते हैं। बट अगर हमने पिछले 60 दिनों राजेश जी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी लॉकडाउन में जिनके बगैर हम जिंदा रहे और जिनके बगैर कोई हमारी दिनचर्या में फ़र्क नहीं पड़ा, तो यही चीज़ हमें चाइना के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना ने हमें एक ऐसी सस्ती के चक्कर में डाल दी है कि ये चीज़ भी ले लो वो चीज़ भी ले लो। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, आजकल उनकी एक स्ट्रेटजी और बन चुकी है कि वो कई ऐसे चीज़ें बनाते हैं जो ब्रांड ऐसा लगे कि इंडियन, उसका भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। हमें कोरोना के दौर में लगभग 2 महीने तक बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज नहीं की जो हम हर रोज़ करते थे, तो हम इसी डिटर्मिनेशन के साथ ये प्रयास करेंगे कि जो चाइना की बनी हुई चीज़ें हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। और केवल हम नहीं, प्रयास करेंगे अपने साथियों को प्रयास करेंगे, आप अपने दर्शकों से प्रयास करें, मैं अपने सभी सुनने वाले जितने भी हमारे साथी, मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आपको चाइना के साथ लड़ाई में अपना सहयोग देना है तो आपका सबसे बड़ा सहयोग यही होगा कि आप चाइना की बनी हुई किसी भी चीज़ को यूज़ ना करें, उनका बायकॉट करें। और आप देखना कि बहुत जल्द एक झटके में अगर हम चाइना को हराने में सक्षम हो जाए। आज समाचार जारी कार्यालय से आनंद सागर जी ने तथ्यों के साथ गणित के साथ चाइना का व्यापार समझाया, और चाइना को हराने के लिए एकमात्र एक मंत्र दिया है
चाइना का बहिष्कार, चाइना से बनी हर चीज का बहिष्कार। सिर्फ एक मंत्र से हम चाइना को हरा सकते हैं और भारत को विश्व विजयी बना सकते हैं। और एक बात, सब मिलकर आनंद सागर जी के साथ समाचार कार्यालय से संकल्प लेते हैं, आज के बाद हम सब चाइना से बनी कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, चाइना से बनी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। यही हमारे अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि। हम, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले, हमारे दर्शक पूरे भारत देश से एक अपील करते हैं, हम अपने घर में बैठ कर चाइना को हरा सकते हैं। चाइना का बहिष्कार, चाइना से बनी हर वस्तु का बहिष्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।